के बोलते चलो देखो माताओं बहनों और शर्म मत करो। भगवान की सांचे दरबार की बस सब चुप हो जा। परीक्षित जी अब कथा कहां छोड़ी गई थी। नवल्ले मैया अब कथा कहां पे हमने छोड़ी दी थी। अब समझ में नहीं आई रही नवल्ले मैया। अच्छा ऐसे कर कह दो कौन ध्यान रात तुम्हारो भैया लोगों अभी कथा कहां मैंने छोड़ दी थी। इधर श्री सुखदेव मुनि बोले हैं कि हे उत्तरानंदन महाराज परीक्षित इधर ब्रह्मा जी पास में पहुंचे बोले बेटा वरदान मांग लो। विभीषण कहने लगा महाराज हम तुम्हारे चरणों का दास बना रहूं बस जब जब इस भूतल पे आए। बोले एवु मस्त बोले क्यों बोले तुम अजर अमर हो। परीक्षित जी जो भगवान का भक्त होता है वो कभी मरता नहीं है वो अजर अमर हो जाता है। मर जाता है लेकिन उसका नाम अजर अमर है। जैसे मीरा हुई द्रौपदी हुई प्रहलाद हुए नरसिंह हुए ये लोग चले तो गए लेकिन ये लग रहा है कि आज दम तक ये लोग जीवित हैं। अब कुंभकर्ण के पास में पहुंचे और भैया लोगों जे बच्चा देखो कैसे मर रेजगारी जब खड़ी फिर बैठा रहो इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। श्री सुखदेव मुनि बोले ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को देख करके डरे।